अभिषेक? हाय हाउ आर यू? वेरी गुड. आज तो आपको भाभी कहने का दिल ही नहीं कर रहा है. क्या लग रही हैं आप? सुपर गॉर्जियस. सीरियसली आज कहीं तो बिजली गिरेगी. आप दोनों इतने अच्छे लग रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हो. हमको तीन दिनों को अकेला छोड़ते हम निकलते. सी पर पता है पूरी पार्टी में सबसे प्रिटी मेरी रूही लग रही. थैंक यू इशमा. मुझे त्रिशा दीदी की मेहंदी देखनी है. हाँ चलो जल्दी चलते हैं. बिजलियाँ तो गिरी चुकी है, कहीं बारिश ना हो जाए. बिजली तो वाकई गिर गई, अगर ऐसी लगती रहे तो शायद बारिश भी हो जाए. चमत्कार हो सकते हैं. सबसे पहले पमी आंटी, आपने बहुत हेल्प की, उसके लिए थैंक यू. दारे पुत्र. नाउ आज ये मद्रासन पत्नी अपने पंजाबी पति से कुछ कहना चाहती है. रमन, ये मद्रासन द्वाड़े वास्ते ये मद्रासन तुवाड़े वास्ते पंजाबी विच स्पीच दे रहे हैं, तो थोड़ा जहाँ ख्याल कर लियो और कोई भूल चुको तो माफ कर दियो. मैं रमन नाल हमेशा ही नाराज रहती हाँ, हूँ की करा, पति लोग होंगे ही एवें हैं. मैनू नानू क्या मीर ते मीका एक दूजे दे नाल खुश रहेंगे, तो तुसी क्यों खुशियां पंग करन वास्ते बिच में आ गए. लेकिन अज मैनू पता लग गया रमन दा मास्टर प्लान. जिस तरह अज उन्होंने भीका ते मिहिर नू मिलवाया ते त्रिशा ते नील नू मिलवाया, मैनू पता लग गया मेरा घर वाला भी कम नहीं है. रमन इन्ना चंगा मुंडा है, इन्ना बीबा पुत्तर है. बीबा मुंडा. बीबा मुंडा. ते इन्ना इन्ना चंगा पापा है, ते मेरे लिए भी चंगा ही है. उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, बस उन्होंने काम करने का अंदाज सब नाल अलग वखरा. उन्होंने काम करने का अंदाज सब नाल वखरा हैगा. छोटी छोटी गल्लां विच रमन दी अच्छाइयां छुपी आएंगी. उन्हां नूं पहले ही पता चल जांदा है घर विच कीदी की जरूरत आएगी, होर पहले सारी जरूरतें पूरी कर देंदे हैं. ते ओदे वास्ते ते उन्हां दे दित्ते हर गिफ्ट दे वास्ते मैं उन्हां दा शुक्र मनांदी हां. एक सेकंड. हेलो. और की मैनू भी उन्होंने संभाल ही रखिया है. अजे मौका वेख मैं रमन तो धन्यवाद भी कहना चाहती हाँ, ते उन्हां तो माफ़ी भी मंगना चाहती हाँ. मैं गलत सी, तुसी सही सीगे, तुहाडे कारण ही आज मेरी भैन के चेहरे विच खुशियां आउंदी हैं. तुसी पंजाबियां दी शान हो,
ते परिवार दी जान हो, इस मोहब्बत नू इन्ना सोना अंजाम देने वास्ते बड़ा लख लख धन्यवाद। मैंने बहुत मेहनत की थी उस स्पीच पे। तो मतलब आप किसी चीज पे मेहनत करो और आपको उसके लिए वाहवाही चाहिए होती है। मैं मेहनत करूं तो उसके लिए एक भी रिएक्शन नहीं। आपको पता है आपको किसी की कोई कदर नहीं है, यू आर वेरी रूड। बात सुनोगे? आप क्या सुनाएंगे? वही वाले पुराने बहाने कि तुम किसी बात को समझती नहीं हो, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। आप एक काम करो, आप जिस पेड़ पे अपने पैसे उगाते हैं ना, आप उसी पे चढ़ जाइए। चुप हो जाओ यार, जब देखो बिना मतलब के बकवास करती रहती हो। रोमी, फोन लेकर अपना। रोमी जी भाई, क्या हो गया? वीडियो दिखा। कौन सा वीडियो? अच्छा हाँ, एक सेकंड, दिखा अपनी भाभी को और बता क्या है उस वीडियो में। भाई ने मुझे आपकी पूरी स्पीच रिकॉर्ड करने के लिए बोला था और फोन भी ऑन रखने के लिए बोला था। पता है सारी स्पीच सुनी उन्होंने आपकी, एक वर्ड तक मिस नहीं किया। मैं गलत थी। सीरियसली? हाँ सीरियसली। तुम दिमाग से पैदल हो, मैं नहीं। मुझ में अक्कल है और मेरे फोन में फीचर है स्पीकर फोन का। गाड़ी चलाते वक्त तुम्हारी आवाज क्लियरली सुन सकता हूँ। तुम्हारा एक एक वर्ड सुना है मैंने। दिमाग खा गए, स्पीच नहीं सुना। हाँ भाभी, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट मद्रासी स्पीकिंग पंजाबी टू भाई फोन। ऐसे भाई मानना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग है ना, ऐसा कैसे कर लेते हो आप? बताता हूँ, आई एम गुड। क्या हुआ? अब उन्हीं पैसों के पेड़ पे तुम्हें चढ़ा दूं और वहीं से धक्का मार दूं नीचे? बिना सच ने दिमाग खराब कर दिया। पूरी स्पीच सुनी तुम्हारी मैंने, जितना बोला सब समझा मैं, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया अब तक कि मेरी स्पीच बेटर थी। अभी भी अपनी तारीफ किसी दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते हो कभी? अरे तारीफ करने लायक हो तो करूँ ना। तुम्हारी स्पीच सुनो और फिर मेरी सुनो। मेरी सुनी थी प्रोफेशनल तमिल, यहाँ तक कि अगर मद्रास के इलेक्शन में खड़ा हूँ तो वहां का चीफ मिनिस्टर बन जाऊं मैं। और तुम्हारी आधा पंजाब मारने को दौड़ रहा है मुझे। क्या बोल रही थी पंजाबी में? ना एक्सेंट के ठिकाने, ना वर्ड्स के ठिकाने। छोले भटूरे में सांभर पाउडर डाल दिया तुमने। ऐसा लगता है किसी ने बस किसी पंजाबी की कड़क विस्की में कोकोनट वाटर मिला दिया। इससे अच्छा तो आप सुनते ही नहीं स्पीच। नहीं, उससे अच्छा क्या होता मालूम है? कि मैं वहां से जाता ही नहीं, तुम्हारी पूरी स्पीच सुनता। I'm sorry, लेकिन मुझे जाना पड़ा, कुछ काम है साथ। कहां जाना पड़ा ऐसे? हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हो गया? वहां क्रिसमस पार्टी थी। हॉस्पिटल को क्यों जाएगा यार? अरे सीधे जवाब दो ना। क्या बताऊं? यकीन नहीं हो रहा, एक औरत ऐसा भी कर सकती है? एग्जैक्टली, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन शगुन ऐसी है। लेकिन मैं वहां गया था सिर्फ आदि की वजह से। मेरा बेटा बहुत डरा हुआ था, लेकिन जानती हूँ चिंता, ऐसे लोगों के साथ इंसानियत दिखा के कोई फायदा नहीं है। दे नॉट वर्थ इट। खैर शगुन कैसी है अभी? बदकिस्मती से बच गई। खैर छोड़ो, कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्पीच अच्छी थी, तुम थोड़ी लंबी थी पर अच्छी थी, सेंटी थी। ये अच्छा नहीं हो रहा है रमन के साथ। शगुन की जिंदगी से तो जा चुकी है, लेकिन एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने दे रही है। और आज जो किया उन्होंने वो हद से बाहर है।